हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू इंडियन फ्रेंचाइज सॉल्यूशंस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक अच्छी डिस्ट्रीब्यूटरशिप अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं, जहां आपको कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट देने की जरूरत नहीं होती। मार्केटिंग में कंपनी आपको सपोर्ट करती है, एडवर्टाइजमेंट हो, आपका बिजनेस डेवलपमेंट हो, उसमें पूरा सपोर्ट जो है कंपनी के एंड से आपके लिए बना रहता है। दोस्तों, आज की डिस्ट्रीब्यूटरशिप अपॉर्चुनिटी जो है हमारे रोजमर्रा के जीवन से रिलेटेड है, जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे आपको कभी डिमांड की कभी कमी नहीं होती है। दोस्तों, आज की बिजनेस अपॉर्चुनिटी कंस्ट्रक्शन स्पेस से है। हमारे आसपास हर तरीके के सिविल वर्क होते रहते हैं, वो हमारे घरों के कंस्ट्रक्शन हो, हमारे एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ कंस्ट्रक्शन हो, या जो लोकल म्युनिसिपैलिटी के भी जो काम चलते रहते हैं, तो ऐसे में हर जगह पे जो है आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की भारी डिमांड होती है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, उस कंपनी का नाम है दिव्या पाइप्स एंड फिटिंग्स, जो एक दिव्या इंडस्ट्रीज का प्रोडक्ट है। ऐसे में पाइप्स एंड फिटिंग्स का जो मार्केट है वो काफी तेजी से भागा है, वहां पे काफी डिमांड देखने को मिली है। और ऐसे में कस्टमर्स के पास भी आज की डेट में बहुत ऐसे कम ऑप्शंस हैं जो बजट में होने के साथ साथ जो है वो अच्छी क्वालिटी के हैं। साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि बिजनेस करने वालों में भी बहुत कम अपॉर्चुनिटी है जहां की वो अच्छे मार्जिन बना सकें। दिव्य पाइप्स एंड फिटिंग्स एक गुजरात बेस्ड कंपनी है और गुजरात में ही इनका खुद का अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी है। गुजरात के आसपास के राज्यों में जो है इनका काफी अच्छा मार्केट शेयर है और अपनी प्राइसिंग, क्वालिटी और जुड़े हुए डिस्ट्रीब्यूटर्स का जो है डीलरशिप्स का ध्यान रखते हुए ये बड़े से बड़े ब्रांड्स को आज टक्कर दे रहा है। सो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, क्या एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं, लेकिन उससे पहले जो है हम इनके प्रोडक्ट रेंजेस को देखते हैं। सो दोस्तों, वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, बड़े ही जल्दी से हम इनके प्रोडक्ट्स को देख लेते हैं ताकि आपको पूरी जानकारी मिले कि कल को अगर आप इनकी डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको क्या क्या प्रोडक्ट रेंजेस मिलते हैं। सो दोस्तों, जैसा आप इन इमेजेस में देख सकते हो, दिव्या इंडस्ट्रीज पीवीसी, एसडब्ल्यूआर, यूपीवीसी, सीपीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसमें आपको हमारे घरों में यूज होने पाइप्स मिल जाएंगे, जो आपके सिविल वर्क होते हैं हमारे आस पड़ोस में, म्युनिसिपैलिटी में, जो भी पाइप रेंज है आपको ए टू जेड प्रोडक्ट रेंज जो है आपको यहाँ पे मिलता है। सो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अगर आप दिव्या पाइप्स एंड फिटिंग्स की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हो तो इसमें आपको कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, आपको कंपनी इसमें क्या क्या सपोर्ट प्रोवाइड करती है, आप कैसे इस बिजनेस को रन करें और इसमें आप कितने पैसे बनाओगे। सो दोस्तों, सबसे पहले हम पॉसिबल अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं कि यदि कल को आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो आपको कस्टमर कहां से मिलेंगे। सो देखिए दोस्तों, यहां पे आपके पांच मेन कस्टमर्स होते हैं। एक होते हैं आपके स्टोर ओनर्स, दूसरे होते हैं आपके प्लम्बर्स, तीसरे होते हैं आपके फार्मर्स, चौथे होते हैं आपके बिल्डर्स और पांचवे होते हैं आपके कंस्ट्रक्टर। तो ये मेन पांच जो है कस्टमर्स हैं आपके और इनको आपको टारगेट करना है। सो पहला बात करते हैं हम स्टोर ओनर्स की। तो देखिए दोस्तों, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आपका काम होता है कि आप अपने प्रोडक्ट्स को आसपास की दुकानों में पहुंचाएं। तो जहां पे इस तरह के बिजनेसेस में लोग ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, आप वहां पे इनको पहुंचाएं ताकि उनके माध्यम से उनके कस्टमर बेस में भी जो है आपके प्रोडक्ट जो है वो जाए। दोस्तों, जो दूसरा हमारा कस्टमर है वो है बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स। तो ऐसे में आप किसी भी लोकेशन में अगर आप देखते हो तो जो मैक्सिमम कंजम्पशन जो होता है वो आपका बिल्डर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स ही ड्राइव करते हैं। तो ऐसे में आपको बिल्डर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ जो एक अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करके रखनी है और यहां से जो है आपको बल्क ऑर्डर्स मिलने की भारी उम्मीद रहती है। जो तीसरा हमारा कस्टमर बेस है दोस्तों, वो है एग्रीकल्चरल स्पेस, यानी कि फार्मर्स। तो देखिए दोस्तों, कंस्ट्रक्शन के बाद अगर जहां भारी डिमांड देखने को मिलती है वो है आपका एग्रीकल्चर स्पेस में। तो ऐसे में आप जो है अपने आसपास के जो फार्मर्स हैं उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं और वहां पे भी जो है आप अपने सेल्स को काफी अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों, आखिर में जो है हम बात करेंगे प्लम्बर्स की। तो ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे आपको रेकरिंग इनकम या रिपेयर रिलेटेड डिमांड जनरेट होती है। तो ऐसे में जो लोकल प्लम्बर्स हैं उनके साथ भी जो है आप अच्छा टाई अप करके जो है अपनी सेल्स को, अपनी डिमांड को बढ़ा सकते हो। सो दोस्तों, अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि इन सारे लोगों के साथ आप कैसे जुड़ेंगे। सो देखिए दोस्तों, यहां पे जो है आपको कंपनी के साथ मिलकर काम करना होगा।
तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले शॉप ओनर्स के बारे में बात करते हैं, अगर आप इनके साथ एसोसिएशन बढ़ाना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जो पहला काम आप कर सकते हो फिजिकल मीटिंग के माध्यम से कर सकते हो। आप उनके पास जाके डायरेक्टली उनको मिल सकते हो, उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हो, मार्जिन के बारे में बता सकते हो, कैसे बेचना है, कौन से अच्छे रेंजेस हैं उसके बारे में बता सकते हो। ऐसे करके जो है आप उनको अपने बिजनेस से जोड़ने के लिए कन्विंस कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट को उनको देने के लिए कन्विंस कर सकते हो। अब दूसरा है कि शॉप ओनर्स मीटिंग। तो जहां जहां पे शॉप ओनर्स की मीटिंग होती है तो या तो आप वहां पे इनको इसके बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हो, या तो आप ऐसी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करके भी जो है अपने प्रोडक्ट के बारे में इनको बता सकते हो। अब तीसरा माध्यम होता है दोस्तों व्हाट्सएप और सोशल मीडिया। तो आप जो है चाहे आप व्हाट्सएप कीजिए, उनको मैसेज कीजिए, बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं उसमें भी आप जो बिजनेस रिलेटेड होते हैं उसमें भी आप ऐसे पोस्ट करके इनको कन्विंस कर सकते हो। अब दूसरा होता है आपका दोस्तों सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया पे भी जो है आप कैंपेन कीजिए, इन पोस्टिंग्स को शेयर कीजिए। तो ऐसे करके भी जो है जो लोग इसमें इंटरेस्टेड होते हैं वो डेफिनेटली आपके पास आते हैं। अब जो पांचवा तरीका है दोस्तों यहाँ पे है, वो है आपका टेलीकॉलिंग का। तो आप चाहें तो अगर आपके पास मान लीजिए कि ऐसे आप लोगों की लिस्ट है कि 100 लोग हैं जो इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो आप उनको कॉल करके भी जो है आप बता सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी दे सकते हैं, और उसमें से भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2-4-10 लोग डेफिनेटली आपसे जरूर जुड़ेंगे। अब दोस्तों इसी तरीके से अगर हम प्लम्बर्स के साथ अगर अपना एसोसिएशन बढ़ाना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जो पहला तरीका हम यहाँ कर सकते हैं ऑब्वियसली फिजिकल मीटिंग। तो अगर वो आपकी दुकान पे आते हैं तो आप उनको अपफ्रंट बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो है आपके पास हैं। दूसरा है कि जब सोशल मीडिया मार्केटिंग के माध्यम से भी आप उनको बता सकते हैं, आप उनके लिए आप नए नए स्कीम्स भी लॉन्च करके आप उनको बता सकते हैं, आप बड़े बड़े ब्रांडिंग्स जो है लगा सकते हैं उसके बारे में, सो दैट उनको इस बारे में पता चले। अगर आपके पास प्लम्बर्स की लिस्ट है जो कि ऑब्वियसली होगी, तो उनको भी आप कॉल करके अगर इस स्कीम के बारे में बताते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, प्राइस रेंज के बारे में बताते हैं, तो वो भी जो है आपसे डेफिनेटली यहां पे जुड़ना चाहेंगे। So, देखिए दोस्तों इसी तरीके से अगर हमें फार्मर्स के साथ जुड़ना है तो हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है आप गांव में जाके जहां पे ज्यादा फार्मर्स हैं वहां पे जो आप पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, तो वहां से उनको प्राइस रेंज के बारे में पता चलता है, अगर कुछ स्कीम है कुछ ऑफर है तो उसके बारे में पता चलता है। तो ऐसे करके भी जो है वो लोग आपसे जुड़ सकते हैं। आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हो। आज के डेट में हर किसान के पास जो होगा वो मोबाइल रहता है, तो वहां पे भी जो है वो इसको देख के आपके बारे में जानकारी ले सकता है। तीसरा एक काम कर सकते हो अगेन आप टेलीकॉलिंग का। अगर किसी के पास एंड्रॉइड फोन नहीं हो, स्मार्टफोन नहीं हो, या अगर वो मोबाइल यूज नहीं कर रहा है, तो आपके पास बेसिक मोबाइल जरूर रहेगा। तो ऐसे में टेलीकॉलिंग एक माध्यम है जहां पे आप कॉल करके उनको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हो, और ऐसे करके वहां से भी जो है आप सेल्स जो है अपने लिए जनरेट कर सकते हो। So, दोस्तों जो चौथा हमारा सबसे बड़ा मार्केट है वो है कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डर्स का। ऐसे में आप इनको अप्रोच कर सकते हैं, आप इनसे जाके मिल सकते हैं 1-on-1, और वहां पे जो है आप इनको मार्जिन बता सकते हैं कि इसमें क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कितना प्रॉफिट मार्जिन रहेगा, क्या प्राइसिंग है। तो ऐसे करके जो है अगर आप उनको कन्विंस कर पाते हैं तो आपको वहां पे भारी बल्क ऑर्डर्स मिलने की गुंजाइश रहती है, क्योंकि इन लोगों के पास जो डिमांड कभी कम नहीं होता। ये एक बिल्डिंग बनाते हैं उसके बाद दूसरा बिल्डिंग बनाते हैं, तो ऐसे ऐसे करके चलता रहता है। तो अगर एक रिलेशनशिप इनके साथ आपका एस्टेब्लिश होता है तो लॉन्ग रन में वो आपके लिए काफी फायदेमंद होता है। इसके साथ ही साथ आप टेलीकॉलिंग का भी आप माध्यम यूज कर सकते हो, उसके द्वारा भी जो है आप बिल्डर्स और कंस्ट्रक्शन के पास जो है जा सकते हो, उन तक पहुंच के अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में बता सकते हो। सो दोस्तों अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो आप इसे केवल 2.5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हो, जिसमें अगर आप प्रॉफिट मार्जिन की बात करो तो आपको यहाँ पे सीधे सीधे 10% का प्रॉफिट मार्जिन रहता है। तो अगर आप एक महीने में 2.5 लाख रुपए के अगर मिनिमम प्रोडक्ट बेच रहे हो तब भी आपको 25,000 रुपए का प्रॉफिट आपको आ जाता है। लेकिन एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आप जितना ज्यादा इसको प्रोडक्ट बेचते हो उतना ज्यादा आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। और जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, यहाँ पे आपको जो रिलेशनशिप मैनेजमेंट है या कैसे लोगों को कॉन्टेक्ट करना, कैसे अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कन्विंस करना, इस पे जो है आपको मेन फोकस करना है।
सो दोस्तों, अगर आप भी इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट करना चाहते हो तो आप आज ही जाके, वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आप आज ही जाके उस पर अप्लाई कीजिए और कंपनी आपको कॉन्टेक्ट करेगी और इसके फर्दर प्रोसेस के बारे में बताएगी। इसके अलावा अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उस पर डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।